Assalamualaikum my YouTube फैमिली आई होप यू all आर डूइंग ग्रेट सॉरी फॉर inconvenience बिकॉज आई हैव बीन इनएक्टिव फॉर सो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक रूटीन थी इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई बट uh, इनशाला अब से मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करती रहूँगी और पहली बात तो ये कि सबसे ज़्यादा जब मैंने अपने कमेंट्स देखे यूट्यूब पे तो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड की गई कि सीनियर ऑडिटर के जो भी आपके इनकम्प्लीट लेक्चर्स हैं आप उनको अपलोड करें सो so, इसी लिए मैंने प्रेफर किया कि मैं अगर वीडियो बना लूँ तो सबसे पहले मैं बनाऊँ एनुअल बजट पे क्योंकि ये काफ़ी ही ज़्यादा जैसे पैरामाउंट इंपॉर्टेंस रखता है हमारे सीनियर ऑडिटर के टेस्ट में तो लेट स्टार्ट विद इट फर्स्ट ऑफ ऑल द बजट इंट्रोडक्शन के बजट होता क्या है बेसिकली ये हमारा क्या होता है इकोनॉमिक पॉलिसी टूल है जो ट्रांसलेट करता है हमारे गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ हैं हमारी सर्टेन पॉलिटिकल कमिटमेंट्स या हमारे जो भी गोल्स डिसाइड हुए हैं उनको ठीक है और बेसिकली हमारा ये फॉरकास्टिंग टूल है या प्लानिंग टूल है जिसके थ्रू हमारा गवर्नमेंट ये जो है एस्टिमेट्स लगाता है कि कहाँ कहाँ से हमारा रेवेन्यू रेज हो सकता है और किस किस जगह पे हमारे एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं कहाँ से हमें लोन लेना पड़ सकता है या फिर कहाँ पे हम लोन दे सकते हैं किसी को ये सारी जो प्लानिंग्स हो रही होती हैं या फिर किस जगह पे हमें डेवलपमेंट पर्पस के लिए हमें मनी स्पेंड करनी पड़ेगी ये सारी प्लानिंग जो है हमारे बजट में होती है इवन यू कैन से गाइफ के नॉर्मल रूटीन फैमिलीज़ ऑल्सो डू अ बजटिंग और ये डिसाइड करते हैं कि एक्सपेक्टेड uh, क्या एक्सपेंसेस हमारे हो सकते हैं कौन सी हम जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं मनी तो जब एक फैमिलीज़ ये प्लानिंग करती हैं तो गवर्नमेंट कैसे नहीं करेगी विदाउट बजट एक कंट्री चल ही नहीं सकती है क्योंकि हमें इतना ज़्यादा हमारे इतने प्रोवेंसेज होते हैं हमारी सिटीज़ हमारी पॉपुलेशन देखी जाए तो हमें उनको चलाना है और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहले से प्लानिंग करें डिसीजंस हो गए जैसे कि किस तरह से हम रेवेन्यू रेस रहे हैं कहाँ से रेस करेंगे किस तरह के फंड्स हमें चाहिए हमारी कंट्री की कंपीटिंग नीड्स को पूरा करने के लिए या फिर हमारी कंट्री की हेल्थ या उसके अलावा जो भी सिक्योरिटी है या हमारी जो पोरिटी हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा उसको एलिमिनेट करने के लिए हमें कहाँ कहाँ पे मनी स्पेंड करना पड़ेगा या कहाँ कहाँ से मनी जनरेट करना पड़ेगा दिस इज़ ऑल अबाउट बजट बजट इज़ अ गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल प्लान डिस्क्राइबिंग द प्रपोज एक्सपेंडिचर्स एंड द मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग दैम अच्छा ये है कि जब एक्सेस होती है हमारे गवर्नमेंट यानी एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ जाए एज कम्पेयर टू ओवर रेवेन्यू यानी हमारा रेवेन्यू तो कम सोर्सेज से जनरेट हो रहा है बट हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है दैन इट इज़ कॉल्ड एज बजट डेफिसिट और जब हमारा रेवेन्यू एक्सेस में होता है एज कम्पेयर टू एक्सपेंडिचर दैन इट इज़ कॉल्ड एज बजट सरप्लस ओके द बजट मेकिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू वेरियस आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नाइनटीन सेवेंटी थ्री ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ पाकिस्तान बजट मेकिंग प्रोसेस अगर हम लोग अपने आर्टिकल्स में देखें तो वहाँ पर भी हमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं इम्पॉर्टेंट जैसे कि आर्टिकल एटी में हमारे एनुअल बजट स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है द फेडरल गवर्नमेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर Cause to be led before the financial assembly a statement of estimated receipts and expenditures of federal government for the year in this part referred to as the annual budget statement yani ek annual budget statement federal government ko kya da, every financial year jo finance फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है जो हमारे फ़र्स्ट जुलाई से थर्टी फर्स्ट जून तक उसके लिए क्या करना होता है फेडरल गवर्नमेंट को हर साल के लिए एक एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का जो है स्टेटमेंट देनी होती है किसको देनी होती है नेशनल असेंबली को तो उसको हम क्या कहते हैं एनुअल बजट स्टेटमेंट आर्टिकल एटी इट एन एन सी इज द एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द फेडरल कंसर्डलेटेड फंड अच्छा गाइज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जब भी हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो वो हम किस पे चार्ज हो रहा होता है वो हमारे फेडरल कंसॉलिडेटेड फ़ंड पे चार्ज होता है हम आगे की साइज में पढ़ते हैं दैट फेडरल कंसोलीटेड फंड में क्या क्या इंक्लूड होता है डेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड ये हमारे पर्पस ऑफ बजटिंग बताई गई है कि मेकैनिज़म है जिसके थ्रू हम लोग हमारे फिजिकल ऑब्जेक्टिव्स को कन्वर्ट कर सकते हैं मंथली स्पेंडिंग पैटर्नस में बिकॉज ऑलवेज गवर्नमेंट सेट्स अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स कि हमें ये 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 ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है और क्यों पूरा करना है ताकि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके तो ऑब्वियसली इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हमें बजट हेल्प करता है एज अ मंथली स्पेंडिंग पैटर्न सेट करके देता है कि हमें मंथली किस किस जगह स्पेंड करना है अमाउंट इनहैंसिस द फिजिकल प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग ऑब्वियसली हमें हेल्प करता है कि हम डिसीजन मेकिंग इफेक्टिवली कर सकें क्लियरली रिकॉगनाइजेज कंट्रोलेबल एंड अनकट्रोलेबल कॉस्ट एरियाज़ हमें एग्जैक्टली exactly बता देता है कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें हमारी कॉस्ट कंट्रोल हो सकती है और कहाँ कहाँ पर कंट्रोल नहीं हो सकती और ऑब्वियसली जहाँ भी अनकट्रोलेबल है वहाँ हम वहाँ के लिए तो हमें एनी हाउ अमाउंट रखना ही पड़ता है क्योंकि उन एरियाज की कॉस्ट को हम कम नहीं कर सकते और फिर अज़फ़ुल फार्मूलेट फॉर कम्युनिकेटिंग फिजिकल ऑब्जेक्ट उसके अलावा फीडबैक ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ बजट

ठीक है ऑल रेवेन्यूज़ रिसीव अच्छा अब ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कंसॉलीटेड फ़ंड में क्या क्या आ जाता है जो भी रेवेन्यूज़ हमने रिसीव किए चाहे वो टैक्सेस के थ्रू हो या किसी और सोर्स के थ्रू हो ऑल लोन्स रेस्ड जितना भी हमने लोन रेस किया एंड ऑल मनी रिसीव बाय फेडरल गवर्नमेंट फॉर्म द फेडरल कंसॉलीटेड फ़ंड बिसाइड द फंड इज़ एन अदर अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट नोन एज पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन तो एक और भी हमारा अकाउंट होता है जैसे हम पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन बोलते हैं इस अकाउंट में सारी मनी जो भी रिसीव की गई है बिहाफ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट के या रिसीव की गई है या डिपोजिट हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के थ्रू इस्टेब्लिश अंडर अथॉरिटी ऑफ फेडरेशन गेट्स क्रेडिटेड द कस्टडी ऑफ बोथ द एफ सी एफ एंड पी ए एफ इज गवर्न एंड रेगुलेटेड बाई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अच्छा ये दोनों अकाउंट्स जो हमारे होते हैं ये कौन गवर्न कर रहा होता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हमारी पार्लियामेंट जो है रेगुलेट कर रही होती है इसको अब हम पढ़ते हैं बजट साइकिल बजट साइकिल पढ़ना बहुत ज़रूरी है अच्छा गाइस एक बात और मैं आपको क्लियर करूँ कि दे आर टू टाइप्स ऑफ बजट एक तो हमारे बजट के एम आते हैं जो हमारे पाकिस्तान के हिसाब से होते हैं कि पाकिस्तान में बजट की साइकिल के कि कितने स्टेप्स हैं या हमारा एग्जैक्टली फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है या फर्स्ट स्टेप कहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है वो सारी डिटेल ठीक है सेकंड होती है बजट की जो नॉर्मल हम कॉस्ट अकाउंटमेंट अकाउंटिंग में नॉर्मल बजट पढ़ते हैं कि मास्टर बजट क्या है फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है ये सारी चीज़ें तो ठीक है हम लोग अलग अलग से पढ़ेंगे थोड़ा जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ रिलेटेड जो हमारा बजट है वो ईज़ी है ठीक है और हम लोग ऑलरेडी कोर्स में पढ़ रहे होते हैं तो वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है उसको समझना इसीलिए सबसे पहले मैं जो हमारे पाकिस्तान से रिलेटेड चीज़ है जो हमारे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो रहा है ना बजट में उसकी एक्सप्लेनेशन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल दूंगी उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा इसका बजट का लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से सो बजट साइकिल पढ़ते हैं इस टेक्निकली डॉक्यूमेंट दैट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड रेवन्यू प्रपोजल्स रिफ्लैक्टिंग इट्स पॉलिसी प्रियोरिटीज़ एंड फ़िजकल टारगेट्स बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि गवर्नमेंट के जो भी एक्सपेंडिचर्स होने वाले होते हैं या उनके रेवेन्यू प्रपोजल्स होते हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं जिसमें हमारे जो रिफ्लेक्ट बेसिकली कर रहे होता है कि हमारे पॉलिसी प्रयोरिटीज़ क्या हैं हमारे फ़िजकल एक सारे पूरे टारगेट्स क्या बनाए हुए हैं है हमने हाईवर द बजट डॉक्यूमेंट इज़ द culmination of an ongoing budget decision making process of a country system for managing and assessing its spending and tax policies sabse pehla stage hota hai preparation and formulation stage yani पहला पहला स्टेप आप लोग याद रखें कि कौन सा होगा जहाँ पे हम बजट बनाएंगे तो बजट बनाने का सबसे पहला स्टेप हम पढ़ लेते हैं द इनिशियल फॉर्मुलेशन ऑफ बजट अकर्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली विद इन दूट एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट द इट कैन इंक्लूड अंबर ऑफ़ एक्टर्स विद इन द ब्रांच इनिशियल जो हमारा बजट फॉर्म होता है उसमें कौन से क्या इंक्लूड होता है हमारी एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है गवर्नमेंट की वो इंक्लूड होती है और इसके अलावा जो भी नंबर ऑफ एक्टर्स से रिलेटेड हैं विदिन दैट ब्रांच इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड अब सबसे पहले टिपिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और द डिवीजन विद इन इट कॉर्डिनेट्स एंड मैनेजेज़स द फॉर्मेशन ऑफ अ बजट रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्राम इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स एंड प्रोपोजिंग द ट्रेड ऑफ नेसेसरी टू फिट कम्पीटिंग द गवर्मेंट प्रस इन टू द बजट एक्सपेंडिचर टोटल सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो हमारा हेड है फाइनेंस से डील कर रहा है वो क्या करता है मैनेज करता है फॉर्मुलेशन ऑफ बजट को कौन मैनेज करता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ़ फ़ाइनेंस वो क्या करती है रिक्वेस्ट करती है जो भी हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं कि आइर आप लोग अपने क्या करो ट्रेड ऑफ्स करो और हमें अपने बजट एस्टीमेट्स बताओ एस विकस नो दैट आर लॉट ऑफ़ डिपार्टमेंट्स जैसे हमारा मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री uh, का देखा जाए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है या हमारे पास और भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब की एक अलग अलग एस्टिमेट्स होंगी तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ़ फ़ाइनेंस उनको रिक्वेस्ट करती है कि आप लोग इन्फॉमेसन दे रिगार्डिंग योर एस्टिमेट्स ठीक है और इन एस्टीमेट्स का ज़ाहरी बात है हमेशा ट्रेड ऑफ होगा क्योंकि क्या है कि जरूरी है कि हमारे पास इतना अमाउंट हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड कर सकें हमें हर चीज़ में मद्देनज़र रखना होता है कि हमारा कितना बजट है और हम कितना कितना किस किस डिपार्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर सपोज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है हमारा सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी ऑफ बजट का पोर्शन है दैट इज़ इन्वेस्टेड इन द मिनिस्ट्री ऑफ़ डिफेंस क्योंकि हमारा वो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर है दिस प्रोसेस कैन टेक अ फ्यू वीक्स टू सेवरल मंथ्स लार्ली डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंड टू विच डिपार्टमेंट्स और इन्वाल्व एंड देयर व्यूज़ आर कंसिडर्ड अच्छा ये जो प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसमें हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ़ फाइनेंस जो है वो रिक्वेस्ट करता है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को डिपार्टमेंट्स को कि वो अपने जो है एस्टिमेट्स बचा बताएँ ठीक है लेकिन अकॉर्डिंग टू तो गवर्नमेंट की प्रियोरिटीज या अकॉर्डिंग टू बजट्स एक्सपेंडिचर के टोटल के हिसाब से वो ऑलरेडी उनको बता देते हैं इंफॉमेशन रिक्वायर्ड कि इतनी इतनी एक्सपेक्टेड एस्टिमेट्स हो सकती हैं इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए तो इसमें फ्यू वीक्स लग जाते हैं या इवन सेवरल मंथ्स लग जाते हैं द क्वान्ट एंड साइज ऑफ अ बजट आर लार्जली डिटरमाइंड बाई इट्स की प्रोजेक्शन ऑफ की पैरामीटर्स अच्छा बजट कितना होगा बड़ा होगा छोटा होगा वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है की पैरामीटर्स और हमारे की पैरामीटर्स कौन से होते हैं इकनॉमिक ग्रोथ इन्फ्लेशन रेट हमारी जो चेंजिंग डेमोग्राफिक्स हैं या ग्रेविटी ऑफ वेलफेयर मैयर्स के हम कौन से वेलफेयर मैयर्स कर रहे हैं दैट विल इन्फ्लुएंस ओवरऑल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स हम लोग ऐसे बजट नहीं बना सकते हमें देखना पड़ता है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या हमारा इन्फ्लेशन रेट कहाँ पे जा सकता है हमारी डेमोग्राफी में ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स में देखेंगे कि क्या चेंजेस आ रही हैं उसके हिसाब से द कंटोर्स ऑफ अ बजट और आल्सो इन्फ्लुएंस बाई कंड्रेशन ऑफ गोल्स अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ये की पैरामीटर्स देखते हैं उसके अलावा हम लोग अपने गोल्स देख रहे होते हैं फॉर सपोज समटाइम्स गवर्नमेंट अपने पर्टिकुलर गोल्स बना रही होती है कि हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारे मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना डिवेलप करना है अब ये कुछ हमारे गोल्स हैं या हमें अपने इकनॉमिक ग्रोथ को इतने तक सेट करना है या इतना इंक्रीज़ करना है जी डी पी रेट को तो ये कुछ गोल्स होते हैं उन गोल्स को कंसीडर करते हुए भी हम लोग बजट बनाते हैं जैसे कि मेंटेनिंग द डेफिसिट और डेप्ट एट अ सर्टेन लेवल जैसे इसमें इन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर किसी लोन को हम डेप्ट को मेंटेन करें कि इससे ज़्यादा अमाउंट हम लोग उधार नहीं लेंगे बस इतना ही रेंज होगा इतने पे हम मेंटेन करेंगे या हम लोग रेजिंग रे, या रिड्यूस करें टैक्स को और इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर फॉर प्रायोरिटी एरियाज़ या हम लोग थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंडिचर लगाना चाह रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में तो ये इन चीज़ों पर डिपेंड करता है बजट अब इन पाकिस्तान बजट मेकिंग एज अ प्रोसेस स्टार्ट इन अक्टूबर ईच ईयर ऑन इशु ऑफ बजट कॉल सर्कुलर बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अच्छा ये एम सी में बहुत ज़्यादा आता है कि हमारी जो एनुअल प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होती है बजट मेकिंग की वो होती है हमारे अक्टूबर के मंथ से ओके दिस एम सी क्यूज़ कम्स अ लॉट ऑफ टाइम इन अवर सीनियर ऑडिटर टेस्ट इन अदर टेस्ट कि कब से हमारा बेसिकली बजट मेकिंग स्टार्ट होती है फ्राम अक्टूबर और किस तरह से स्टार्ट हो रही है बाय इशुंस ऑफ बजट कॉल सर्कुलर बजट कॉल सर्कुलर इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ़ फाइनेंस और वो जैसे ही इशू करता है ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है जो अक्टूबर में लिया जाता है अब क्या कह रहे हैं कि बी सी सी इज़ इशूड अब किस को ये इशू किया जाता है टू ऑल मिनिस्ट्रीज डिविजन्स एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट जो भी हमारी डिविजन्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज काम करिए उनको दिया जाता है ठीक है इशू किया जाता है इट एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ बजट एस्टिमेट्स इसमें हमें प्रॉपर प्रोसीजर बजट कॉल सर्कुलर में बताया गया होता है कि किस स्टेजेस या कौन से स्टेप्स या कौन सी टाइम लाइन एग्जैक्टली या डेड लाइन्स भी सर्टेन सर्टे टाइम्स हमें बताई जाती हैं उसमें बजट कॉल सर्कुलर में ठीक है दीज एस्टीमेट्स आर देन सबमिटेड बाय द एस्टिमेटिंग अथॉरिटीज़ टू देर एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज अच्छा आप ये एक दफ़ा तो सारे मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स को चली गई अब क्या होगा ये एस्टीमेट सबसे पहले सबमिट करती हैं एस्टीमेटिंग अथॉरिटीज़ जो एस्टीमेट्स लगाती हैं और वो किसको देती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज़ यानी अगर कोई एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स हैं ठीक है वहाँ पे कुछ अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं तो वो आप किस को देंगी अपने रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज़ यानी एजुकेशन का है तो वो एजुकेशन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है उसको हवाले करेगा कि हमारी ये एस्टीमेट्स हैं ठीक है अब क्या होगा डिविजन्स हु टर्न एग्जाम एंड पास तीज ऑन कंसर्न फाइनेंशियल एडवाइज़र विद देअर रिकमेंडेशन आप क्या करेंगी जब मिनिस्ट्री के पास आ गया अब मिनिस्ट्री क्या करती है उसको देखती है उसमें अगर कोई रिकमेंडेशं ऐड करनी तो वो ऐड करके वो किसको पास करती है टू अ फाइनेंशियल एडवाइज़र जो फाइनेंस पे हमें एडवाइस दे रहा होता है तो फाइनेंशियल एडवाइज़र और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज रिकमेंडेडेड बाई एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री एंड डिविजन्स कैरी अ डिटेल स्क्रूटनी ऑफ एस्टिमेट्स बिफोर दे आर फाइनलीसेप्टेड फॉर इंक्लूजन इन द बजट अब ये कह रहे हैं कि वंस चलो एस्टीमेट्स हो गई एस्टीमेट्स अथॉर एस्टिमेटिंग अथॉरिटीज़ ने एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज़ को दिया अब एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज ने फाइनेंशियल एडवाइज़र को दिया अब फाइनेंशियल एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिलके वो क्या करते हैं डिटेल स्क्रूटनी यानी एग्जामिनेशन करते हैं उन एस्टिमेट्स की कि सारे जो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ने हमें एस्टिमेट्स दी गई हैं क्या वो सही है या नहीं एक्सेप्ट उसको ऐसे नहीं करती क्योंकि जाहिर बात है कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा हो सकती है वो चीज़ तो वो एस्टिमेट्स को डिटेल में एग्जामाइन अब करती तो बजट फॉर इशूइंग एयर आर फॉर्मुलेटेड सेपरेटली इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन डेवलपमेंट एंड करंट एक्सपेंडिचर्स एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर गाइस इन्होंने फर्दर बताया दैट बजट इज क्लासिफाइड इनटू द two separate accounts first of all the non developing expenditure non development expenditure से पता चल रहा है कि ये हमारे development में use नहीं हो रहा है हमारे नॉर्मली day टू डे कोई एक्सपेंसिज हैं या कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं उन hai हो रहा है और hota अलावा दूसरा होता है जो डिवेलपमेंट यानी इस नाम से पता चल रहा है कि वो हमारे डिवेलपमेंट के लिए यूज़ होता है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमारी जी को इंक्रीज करने के लिए पर कैपिटल इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए ये एक्सपेंडिचर यूज़ होता है वाई द प्रपोज एस्टिमेट्स फॉर डिवेलपमेंट एक्सपेंडिचर सेंड टू द प्लानिंग कमीशन एवरी ईयर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनुअल डिवेल्पमेंट प्रोग्राम बाय द स्पेंडिंग मिनिस्ट्रीज द प्रोपोज एस्टिमेट फॉर द करेंट एक्सपेंडिचर सेंड डायरेक्टली टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आप ये कह रहे हैं कि जो एक तो हमारा नॉन डिवेलपमेंट एक्सपेंडिचर था वो तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास चला गया लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है वो हमेशा पहले प्लानिंग कमीशन के पास जाता है प्लानिंग से ही पता चल है कमीशन जो प्लान करती है पूरा हमारा प्रोग्राम को और हर साल कब जब हमारी एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रिपेयर होता है ना कि हमें कहाँ कहाँ सालाना डेवलपमेंट करनी है इस जगह पे इन्वेस्ट करना है ये सारी चीज़ों का एक प्रोग्राम बनता है ठीक है तो उसको हेड कौन करता है प्लानिंग कमीशन तो ये सारी एस्टीमेट्स प्लानिंग कमीशन को दी जाती हैं ये भी एम में आ सकता है कि जो डिवेलपमेंट बजट है वो किस बेसिकली उसकी एस्टिमेट्स दी जाती हैं प्लानिंग कमीशन को ठीक है द प्रपोज एस्टिमेट फॉर करंट एक्सपेंडिचर जो करंट एक्सपेंडिचर पे हमारी ए, ए, लग रहा है ना खर्चा वो किसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को डायरेक्टली होता है क्योंकि वो हमारी प्लानिंग में नहीं आता ठीक है वो हमारे जो है एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में नहीं आता फ़ॉलोइ अ रिव्यू बाई फाइनेंशियल ऑफिसर जब एक बार फाइनेंशियल ऑफ़िसर ने रिव्यू कर दिया और अप्रूव हो गया प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर ने तो अब क्या होगा ऑल बजट एस्टिमेट्स आर फॉरवर्डेड टू बजट विंग ऑफ फाइनेंस डिविजन और डिपार्टमेंट फ़ाइनली जो भी बजट एस्टीमेट्स थी वो सारी फॉरवर्ड हो जाती है हमारे फाइनेंस डिविजन में अब फाइनेंस डिविजन क्या करती है उसको रिव्यू करती है एंड कंसोलिडेट द एस्टीमेट्स टू इंश्योर दैट ओवरऑल बजट पॉलिसीज एंड ऑबजेक्टि आफ्टर कंसल्टेशन विद कंसर्न मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स वैन रिक्वाड अब वे इंश्योर करी होती हैं कि भाई ज़ाहिर मतलब वो सारी एस्टिमेट्स को कलेक्ट करने के बाद वो उसको कंसॉलीडेट करती है कंसॉलिटेट मीन्स मर्च करती है और मर्च करके वो कंपेयर करती है कि भाई ये सारी एस्टिमेट्स को मिला के हम अगर कंपेयर करें तो हमारी ओवरऑल जो हमने बजट का पॉलिसीज़ या बजट पहले हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो इससे अलाइन हो रहा है या नहीं अगर अलाइन हो रहा होता तो ठीक है अब क्या होगा फॉर द फाइनलाइजेशन ऑफ ए जो हमने पहले एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात की ये वो बात चल रही है कि अगर हमें जब एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम को फाइनलाइज करना होता है तो एक और इंस्टीट्यूशन होता है जिसे हम प्रायोरिटी कमेटी बोलते हैं विच मीन्स विच मीट्स रेगुलरली इन द मंथ ऑफ अप्रैल अब ये क्या करती है एक और इंस्टीट्यूशन है ये भी हमसे किस में आ सकता है कि प्रायोरिटी कमिटीज़ क्या होती हैं ये प्रायोरिटी कमिटीज़ किस चीज़ में इन्वॉल्व होती हैं फाइनलाइजेशन ऑफ एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम अब ये क्या होगा ये अप्रैल के मंथ में मिलती है द मीटिंग इज़ चेयर्ड बाय प्लानिंग डिवीजन जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको चेयर कौन करता है प्लानिंग डिवीजन एंड अटेंडेड बाय ऑल द लाइन मिनिस्ट्रीज एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट और इसको अटेंड कर रहे होते हैं लाइन मिनिस्ट्रीज भी और हमारे जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो भी और इस हिसाब से फिर ये प्रोजेक्ट्स इवेल्यूएट होते हैं और प्रियोटाइज होते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्स के परपजिज़ पे अच्छा इन द मंथ ऑफ जून अब अप्रैल तो गुजर गया ठीक है अब जून में क्या होगा अब ये सारा जो है पहली स्टेज पहली स्टेज के बारे में चल रहा है कि फॉर्मूलेशन कैसे होगी इसमें पूरा लंबा प्रोसीजर होता है कि किस तरह से अक्टूबर से ये चीज़ स्टार्ट होती है और ये जून में आके फाइनलाइज कैसे होती है तो इन द मंथ ऑफ जून द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल मीट्स सी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो है वो मीट करती है द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर विद रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द प्रोवेंसेस अब एन सी ईस का शॉर्ट फॉर्म है ये कौन चेयर करता है ये भी एन सी टीज़ में आ सकता है कि इसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करता है और उसके रिप्रेजेंटेटिव कौन से होते हैं फ्रॉम डिफरेंट प्रोवेंसेस इन पंजाब हर हर कहीं से इसके रिप्रेजेंटेटिवस भी मौजूद होते हैं इट प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल फॉर सेटिंग इकनॉमिक एंड बजटरी प्रियोरिटीज़ फॉर अ कंट्री और ये बहुत ज़्यादा क्रिशियल रोल प्ले करती है हमारी बजटरी प्रायोरिटीज़ में द फेडरल बजट प्रपोजल्स जो भी हमारे फेडरल जो सालाना प्रपोजल्स दिए गए अब ये इस मीटिंग में प्रेजेंट किए जाते हैं कि इस मीटिंग में हमारी जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग हुई द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ एन सी यानी एग्जीक्यूटिव कमेटी वो होती है ना जो उसको हेड कर रही होती है तो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की है वो मीट होती है फ्रीकुंटली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ़ फाइनेंस मिनिस्टर अब इसकी चेयरमैनशिप कहाँ भी होती है फाइनेंस मिनिस्टर इसको चेयर कर रहा होता है अच्छा पहले हमने पढ़ा था सिर्फ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जब मीट करती है जून में उसको चेयर करता है प्राइम मिनिस्टर लेकिन जब हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल मीट करती है उस टाइम पे इसको चेयर कौन कर रहा होता है फाइनेंस मिनिस्टर इट्स जॉब इज टू पीरियडिकली असिस्ट द इकानी एंड टेक्स डिसीजन इन अकॉर्डिंग विद द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट अब एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल क्या करती है वो हमेशा असिस्ट करती है इकनॉमी को और डिसीजन उसी हिसाब से लेती है इकोनॉमिक पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है उसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है फाइनलाइजेशन ऑफ एनुअल बजट में ठीक है और जब ये पास हो गया नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ने फाइनली इसको पास कर दिया हमने पहले बढ़ा के सबसे पहले बजट जो हमारा कॉल सर्कुलर फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने जो दिया एस्टीमेट्स के लिए तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने एस्टीमेट्स लगाई और उन्होंने अपनी जो है अथॉरिटीज़ को दिया उन अथॉरिटीज़ ने क्या किया एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज़ को दे दी मिनिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज़ ने क्या किया हमारे फाइनेंशियल जो एडवाइजर्स थे उनको दिया फाइनेंशियल एडवाइजर्स फाइनली उसको क्या कहाँ देंगे मिनिस्ट्री ऑफ फ़ाइनेंस में अब हमने पढ़ा कि यहाँ पर जब एक मीटिंग हुई नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की तो यहाँ पे Uh, कहाँ गया हाँ आफ्टर पासिंग ये जब पास हो गया तो अब ये कहाँ पे जाएगा अब नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में पास होने के बाद अब ये जाएगा फेडरल कैबिनेट में ठीक है फेडरल कैबिनेट में जब तक ये अप्रूव नहीं होता तब तक ये नेशनल असेंबली में नहीं जाएगा इनक्टमेंट में ठीक है गाइस हमारी कैबिनेट बेसिकली इट्स अ फॉर्मल बॉडी जो हमारे सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल से बनती है जो हमारा प्राइम मिनिस्टर बनाता है ठीक है तो कैबिनेट में पहले प्रेजेंट होगा उसके बाद अगर एक्सेप्ट यहाँ पर हुआ दैन वो नेशनल असेंबली में जाएगा ओके okay, गाइस तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेज ठीक है जो हमारे कैबिनेट तक गया यहाँ पे हो गई बात खत्म नाउ हो देर इज अ नेक्स्ट स्टेप दैट इज इनएक्टमेंट स्टेज इनएक्टमेंट ठीक है इस स्टेज में क्या होता है ये एक सेकेंड स्टेज है बजट साइकिल की एग्जीक्यूटिव बजट इज डिस्कस इन द लेजिस्लेचर एंड कं कॉन्स्टेंटली ओके इनएक्टेड इन टू लॉ अच्छा ये हमारा एग्जीक्यूटिव बजट जब लेजिस्लेचर में डिस्कस होता है और लॉ की शक्ल अपना आता है देन इट इज कॉल्ड इज इनएक्टमेंट This stage begins when executive. फॉर्मली प्रपोजिस द बजट टू द लेजस्लेचर अब यहाँ पर क्या होगा ये स्टेज बिगिन होती है जब हमारे डिफरेंट एग्जीक्यूटिव है वो क्या करता है बजट प्रपोज करता है लेजिसलेचर में अब क्या हो गया लेजिसलेचर दैन डिस्कसिसज द बजट विच कैन इंक्लूड पब्लिक हयरिंग्स वोट्स बाई लेजिस्चर कमिटीज अच्छा यहाँ पर डिस्कशन होता है बजट के बारे में यहाँ पर डिफरेंट पब्लिक हयरिंग्स वगैरह या वोटिंग भी हो सकती है ठीक है ये हो गया अब प्रोसेस एंड वेन बजट इज अडोप्ट लेजिस्लेचर फाइनली इस स्टेज में क्या होगा जब ये जैसे ही अडोप्ट हो जाए जाएगा और आइदर इैक्ट और विद अमेंडमेंट्स चाहे ये इनैक्ट हो जाता है या इसमें कुछ अमेंडमेंट्स के बाद ये अगर इैक्ट हो गया लॉ की शक्ल में आ गया तो उसे हम इनमेंट बोलेंगे द बजट कैन ऑल्सो भी रिजेक्टेड बाई लेजिस्लेचर ऑब्वियसली बजट जो है अगर हमें सफिशेंट नहीं लगा ऑप्टिमल नहीं लगा तो रिजेक्ट भी हो सकता है इन सम कंट्रीज रिप्लेस बाय लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर्स ओन प्रपोजल ओके नाउ द थर्ड स्टेज इज अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज हम कहीं भी पढ़ें तो ऑब्वियसली जब कोई चीज़ इनैक्ट हो जाती है तो उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है दिस इज द थर्ड स्टेज इसको याद रखिएगा अब इसमें क्या होता है गवर्नमेंट डिफर्स वाइडली इन हाउ दे रेगुलेट एंड मॉनीटर्स पेंडिंग टू इंश्योर एडहस टू बजट इन प्रैक्टिस बजट आर नॉट ऑलवेज इम्प्लीमेंटेड इन एग्जैक्ट फॉर्म इन विच दे आर प्रूफ अगर हम प्रैक्टिस में देखें तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक्जैक्टली exactly बजट का अमाउंट जिस तरह से सेट हुआ था हम एक्जैक्टली exactly उस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करें कि फॉर सपोज इफ़ वी आर इन्वेस्टिंग वन लैक इन सर्टेन स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने वन लैक ही इन्वेस्ट करेंगे नो no. क्योंकि ज़रा बदला थोड़ी डेवियशन आ जाती हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम एग्जैक्ट फॉर्म में उसको इम्प्लीमेंट करें फंडिंग लेवल्स इन अ बजट आर नॉट ऑलवेज एडहेड टू फंड्स आर नॉट ऑलवेज स्पेंड फॉर द इंटेंडेड पर्सन टाइम्स जो ऑथोराइज फंड्स हमें मिले हम लोग उस इंटेंडेड पर्पस के हिसाब से यूज़ नहीं कर रहे तो यानी हमने जिस मकसद के लिए हमने डिसाइड किया था कि ये मनी स्पेंड होगी ज़रूरी नहीं हो कि वैसे हो क्योंकि गाइस यू नो दैट हमेशा कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कंटिजेंसी आ जाती है कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई एंड दैट सिचुएशन ऑब्वियसली हम लोग इंटेंडेड पर्पस के लिए इन यूज़ नहीं करेंगे अगर कोई अर्जेंसी है हमें तो हम जाए बताए अर्जेंट चीज़ में यूज़ करेंगे उस चीज़ को कोविड की सिचुएशन ले लेके हमने अगर कोई बजट बनाया था 2020 का तो हमें पता नहीं था कि कोई कोविड या इस तरह का वायरस आ जाएगा ठीक है तो हमारा हमने लग सपोज हमने कहा था हम लोग ये बनाएंगे ब्रिजेस बनवाएंगे या एक्स वाइसी जो भी प्लानिंग की लेकिन सडनली जब ये कोविड आ गया तो हमने वो प्लानिंग ख़त्म करके हम लोग फॉरन से इमरजेंसी के केस में हमने क्या किया बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है हमने कोविड वायरस से रिलेटेड यानी मास्क बनाने में सैनिटाइजर्स बनाने में या वेंटिलेटर्स अरेंज करने में इन्वेस्ट कर दिया डेविएशन कैन रिजल्ट फ्रॉम कॉन्शियस पॉलिसी डिसीजन और इन रिएक्शन टू चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशन ये डेवियशंस इस तरह आ सकती है कि हम लोग चेंजिंग कोई इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो गई बट कंसर्न अर दे आर ड्रामेटिक डिफ्रेंसिस बिटवीन द एलोकेट एंड एक्चुअल बजट दट कैन नॉट बी जस्टिफाइड इज रिफ्लैक्टेड साउंड पॉलिसी अगर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए तो ऑबियसली हम यही कहेंगे कि दिस बजट इज नॉट साउंड नो पॉलिसीज आए बट साउंड नहीं है क्योंकि अगर इतनी ज़्यादा चेंजेस आएगी तो वो बजट तो फेलियर कहलाएगा वेल दीज केसेज कैन रिजल्ट फ्राम आउट राइट अब्यूज बाय द एग्जीक्यूटिव दे मे ऑल्सो रिफ्लेक्ट इफेक्ट्स ऑफ पुअर बजट सिस्टम अगर पुअर बजट बनाया गया हमने सफिशियंट अच्छे तरीके से ऑप्टीमल वे में नहीं बनाया या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई दैट मेक इट डिफिकल्ट फॉर एक्जीक्यूटिव टू इम्प्लीमेंट द बजट इन लाइन विद वट वॉज इनैक्टेड इन टू ला तो ये जाए कुछ प्रॉब्लम हो सकती है टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई या बजट में हमारा पोअर बनाया गया था इसकी वजह से भी हमारा क्या होता है कि हम लोग समटाइम्स उस तरह से बजट को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते जिस तरह हमने लॉ में इनैक्ट किया था जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिए कि बजट समटाइम्स अगर क्लियर ना हो इंटेंडेड पर्सन के बारे में पर्पज़ के बारे में कि हमें कहाँ पर्टिकुलरली फंड इन्वेस्ट करना है वैल वीक रिपोर्टिंग सिस्टम कैन लिमिट द अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव नीड टू मोनिटर द फॉलो फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली सर हमें कभी कभी ये हो सकता है कि हमारा रिपोर्टिंग सिस्टम वीक हो सकता है इसलिए हमेशा एग्जीक्यूटिवस को चाहिए कि वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करें दैट आइदर द पर्टिकुलर बजट और द पर्टिकुलर फंड इज़ इन्वेस्टेड इन अ अफिशेंट वे या फिर ऐसा नहीं कि उसको फजूल चीज़ों में इन्वेस्ट किया जा रहा है तो मॉनिटरिंग इज़ अ अक्रिशल पार्ट हमेशा जब भी हम लोग कहीं भी फ़ंड्स की बात करें गवर्नमेंट के तो वहाँ पर हमारे ज़रूरी होता है कि लॉ एंड ऑर्डर हो मॉनिटर किया जाए कहीं पे ऑडिट और एग्जामिनेशन होनी चाहिए कि क्या वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है मिनिस्ट्री डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड अ मंथली स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू द मिनिस्ट्री ऑफ़ फाइनेंस थ्रू फाइनेंशियल एडवाइजर्स अब ये भी हम सीखिए नॉर्मली आ सकता है कि इयरली बेसिस पे हाफ ईयरली मतलब स्टेटमेंट एक्सपेंडिचर की कब कब दी जाती है वो इसका हमारा आंसर हो जाएगा मंथली यानी मंथली हमें स्टेटमेंट देनी पड़ती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि हमने इतना इतना खर्चा किया अब मिड ईयर रिव्यू ऑफ़ द बजट बेस्ड ऑन रिकनसलिंग अकाउंट्स इज कंडक्टेड अच्छा मिड रिव्यू भी होता है हमारे बजट का यानी हाफ ईयरली हमारा अगेन वो बजट रिव्यू होता है ठीक है और ये रिव्यू क्यों होता है हेल्प्स फॉर्मुलेट स्ट्रेटजी फॉर बजट इंप्लीमेंटेशन फॉर द रिमाइंडर ऑफ फिस्कल ईयर ताकि अगर हाफ़ ईयरली इफ वी थिंक दैट द बजट इज़ नॉट प्रोपरली इंप्लीमेंटेड देन क्या कर सकते हैं हम लोग अगेन वी कैन मेक अ सर्टेन स्ट्रेटजीज बेस्ट स्ट्रेटजीज थ्रू विच हम वी कैन इम्प्लीमेंटेड इन अ इफेक्टिव वे देर आर क्लियरली इस्टेब्लिश प्रोसीजर्स फॉर अप्रूवल री एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम लाइन आइटम टू अदर अच्छा ये भी है कि अगर हमें री एलोकेट करना हो क्योंकि टेन टाइम्स ये हो जाता है दैन देयर इज बजट डेफिसिट फॉर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हमारे जो है बजट कम पड़ रहा है तो हम लोग कह रहे हैं काइंडली हमें इतना इतना जो है अमाउंट अभी फंड्स चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है द प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर हैज़ द पावर टू री एलोकेट फंड इन द डिपार्टमेंट बिलो अ सर्टेन थ्री शोल्ड अच्छा ये हमसे कि इसमें आ सकता है कि जब री एलोकेट करने वो फंड्स तो कौन करता है प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर को ये पावर होती है कि वो थोड़ा री कर सके फ़ंड्स को लेकिन एक पर्टिकुलर त्रिशूल लेवल से बिलो पे ठीक है यानी एक लिमिट दी जाती है कि अगर एमरजेंसी हो या अगर फंड्स कम पड़े हो तो री हो सकते हैं लेकिन इतनी लिमिट तक उस लिमिट के बाद नहीं अगर री एलोकेशन से अबव हो रही है एंड ट्रांसफ़र बिटवीन मेजर बजट हेड्स अगर मेजर बजट के जो हेड्स हैं उसमें ट्रांसफ़र हो रही है तो वो एनी हाउ अप्रूव होगी Department of Finance get the time each month's reconciliation process. Okay, guys, this is the last stage that is audit stage. The last stage in the budget cycle includes a number of activities that aim to measure whether there is, a, there is an effective use of public resources. Last cycle stage uh, that is audit. इसमें क्या देखा जाता है इनकलूड नंबर ऑफ़ whether this इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ पब्लिक रिसोर्स क्या जो हमारी पब्लिक रिसोर्सेज़ आ रही हैं हम जो लोगों से आवाम से टैक्सेस ले रहे हैं इतने ज़्यादा तो क्या वो सही से यूटिलाइज हो भी रहे हैं नहीं या जो है हम लोग पब्लिक से पैसे छीन तो रहे हैं लेकिन हमारे वहाँ कंट्री के लिए इन्वेस्ट ही नहीं हो रहे अगेन वो पैसे तो इसके लिए एक ऑडिट होनी चाहिए

द ऑर्डिट ऑफिस शूड हैव दपेसिटी टू प्रोड्यूस एक्ूरेट रिपोर्ट्स इन अ टाइमली मैनर ऑबियसली जो ऑडिट ऑफिस है दैट मस्ट है टैलेंट इनफ टैलेंट होना चाहिए और इनफ स्किल्स होने चाहिए कि वो रिपोर्ट्स को टाइमली मैनर में और बिल्कुल क्लिन रिपोर्ट जो है ना दे सके ऐसा नहीं कि वो रिपोर्ट सही ना बना सकें तो उनमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए इन द फेडरल पाकिस्तान द गवर्नमेंट जनरल जनरल ऑफ पाकिस्तान कंडक्ट इंडिपेंडेंट एंड ऑबजेक्टिमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल गवर्नेंस प्रोसेसियल गवर्नेस ओवरसाइट ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन गवर्नमेंट ऑपरेशन एट ऑल लेवल्स लाइक नेशनल प्रोविजनल एंड डिस्ट्रिक्स अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट फेडरल पाकिस्तान की बात की जाए तो पूरे फेडरल लेवल पे ऑडिटर जनरल ऑफ़ पाकिस्तान है जो एक इंडिपेंडेंट और ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करती है यानी वो जितने भी गवर्नमेंट के अदारे हैं उन पर लुक आफ्टर कर रही होती है और एग्जामाइन करती है उनके अकाउंट्स को उनकी एक्टिविटीज़ को कि क्या वो सही चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं या वो अकाउंट्स को सही मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट सही से हो रही है या नहीं ये सारा काम होता है ऑडिटर जनरल का जैसे हमने पेपरा का भी पढ़ा था कि पेपरा एक ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रही थी वो प्रोक्योरमेंट को देख रही होती है तो इसी तरह ना लुक आफ्टर करने के लिए हमारे पास ऑडिटर जनरल होता है इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फुली मैंडेटेड टू कंडक्ट ऑडिट उसको फुल ब्रॉड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने की इजाज़त दी गई है गवर्नमेंट ने क्योंकि ये सबसे बड़ा इदारा होता है रिगार्डिंग द ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स And obviously, it has a power to do a broad range of activities like certification audit, compliance audit of expenditures, performance audit, and many more. गाइस दिस इज़ अ बजट टाइमलाइन अगर हम शॉर्ट में एक डायग्राम में इसको थोड़ा सा समझना चाहे तो हम समझ सकते हैं वी कैन रिकॉल इट फर्स्ट ऑफ ऑल द बजट इज स्टार्ट बजट मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर ओके और अक्टूबर से कैसे स्टार्ट होता है मिनिस्ट्री ऑफ़ फाइनेंस सेंड सर्क्यूलर एज आई ऑलरेडी टोल यू कि बजट कॉल सर्क्यूलर हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सबसे पहले देता है और वो किन किस को दिखता है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को और हमारे डिपार्टमेंट्स को चलो अक्टूबर में ये काम हो गया नाउ लेट्स मूव ऑन अब कह रहे हैं कि क्या होगा अब ये अप्रैल और मई की बात कर रहे हैं कि अप्रैल और मई में क्या हो रहा होता है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड रिफॉर्म्स अप्रूव डिवेलपमेंट बजट जैसे मैंने पहले ही आपको इसके बारे में बताया था कि जो डिवेलपमेंट बजट होता है उसको कौन जो है मिनिस्ट्री ऑफ uh, 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 क्या कहते हैं अप्रूव करती है वो प्लानिंग वाली करती है ठीक है प्लानिंग कमेटी की जब हमने बात की थी एनअल हमारा जो डिवेलपमेंट प्रोग्राम होता है उसमें प्लानिंग कमेटी है वो ही अप्रूव करती है तो ये दरमियान कब होता है अप्रैल से मई के दरमियान ठीक है उसके बाद जून में क्या हो रहा है इन्होंने जून की डिटेल दी हुई है के बजट प्रेजेंटेड इन एन ए सेंड टू सीनेट फॉर रिकमेंडेशंस जून अर्ली जून में क्या होता है बजट हमारे नेशनल असम्बली में प्रेजेंट होता है और सेंड होता है सीनेट को रिकमेंडेशंस के लिए और जुलाई फर्स्ट बिफोर फर्स्ट जुलाई ये प्रेजेंट एंड अप्रूव करता है ठीक है तो हमें उसके अलावा बाई मार्च थर्टी वन नीचे दिया गया है क्या होता है स्टैंडिंग कमिटीज़ एंड रिकमेंडेशनस टू मिनिस्ट्रीज स्टैंडिंग कमिटीज़ क्या करती हैं सेंड करती है अपनी मिनिस्ट्रीज़ को मार्च थर्टी वन तक ठीक है अब मई में यही बात है कि कैबिनेट उसके अप्रूव करती है बजट को और बजट अप्रूव हो जाता है तो नेशनल असेंबली पासिस बजट आफ्टर डिस्कशन फ़ाइनली नेशनल असेंबली जो पास करती है उसके बाद प्रेजिडेंट अप्रूव करेगा और वो बस लॉ बन जाता है थैंक यू सो मच दैट्स इट अला हाफिज़